तो चलिए शुरू करते हैं। Zegra Guerra, 0-60 in 2.7 seconds. God, head your way. ओके फ्रेंड्स, तो पबजी मोबाइल को अपने पीसी में चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक एम्यूलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके उस लिंक को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कुछ आपको इस तरह मिलेगा। यहां आके आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस एम्यूलेटर की सबसे खास बात यह है कि दोस्तों, ये बहुत ही कम साइज का है, तकरीबन 8 या 9 MB का है शायद। तो देखिए, अभी ये डाउनलोड हो चुका है, तो अब हम इसे सिंपली यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ सिर्फ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो वो पबजी मोबाइल गेम है वो डाउनलोड और इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है। अगर आपका इससे ज़्यादा लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है और आपका जो वो पीसी है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पबजी मोबाइल गेम जो है वो इस एम्यूलेटर पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। तो इसका जो इंटरफेस है वो सेम वही है जो आप अपने मोबाइल पे एक्सपीरियंस करते हो, सेम वही एक्सपीरियंस आपको इस एम्यूलेटर पे भी देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ग्राफिक क्वालिटी। तो ग्राफिक क्वालिटी डेफिनेटली मोबाइल से बहुत ही अच्छी है इस एम्यूलेटर पे। आप मोबाइल में कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं कर पाते हो, इसमें आप अल्ट्रा HD पे भी खेल सकते हो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो। अगर आपके पास कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप थोड़े से लोअर सेटिंग पे भी खेल सकते हो। लेकिन फिर भी अगर ग्राफिक कंपेयर की जाए मोबाइल और PC में, तो PC का ग्राफिक क्वालिटी जो है वो मोबाइल से बहुत ही अच्छा है। यहाँ स्पेक रिक्वायरमेंट में आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने PC के हिसाब से पहले से ही सेट होता है। तो ये जैसा भी इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो अभी हम आ गए गेम के मेन स्क्रीन पे। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं इस एम्यूलेटर के कुछ बेसिक से फंक्शन के बारे में। तो यहाँ से आप इस एम्यूलेटर से डायरेक्टली एग्जिट हो सकते हो। इस ऑप्शन से आप गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट जो है वो टेक कर सकते हो, यहाँ से मल्टी विंडोज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये ऑप्शन है फुल स्क्रीन का, अभी हम फुल स्क्रीन पे नहीं है, तो यहाँ से हम फुल स्क्रीन करते हैं। देखो, ये हो गया। और F11 से हम फुल स्क्रीन को एग्जिट भी कर सकते हो। तो अभी ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है की मैपिंग, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही है जो जिससे आप गेम खेलोगे। तो यहाँ कंट्रोल कीज़ आप ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको गेम खेलने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अभी हम बात करेंगे एम्यूलेटर के ग्राफिक सेटिंग के बारे में। तो मैंने इसको सेट करके रखा है अल्ट्रा HD 2K पे, और यहाँ 1060 और उससे प्लस का ग्राफिक कार्ड मांग रहा है। तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मेरे पास 1050 Ti 4GB वाला वेरिएंट है, और इस ग्राफिक कार्ड में मुझे ये गेम हाई सेटिंग पे खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल ही स्मूथ गेम चलती है। तो रही बात बाकी सेटिंग की, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे गेम के ग्राफिक सेटिंग के बारे में। अभी जो हमने किया वो एम्यूलेटर का ग्राफिक सेटिंग था। तो अभी हम आ गए गेम के ग्राफिक सेटिंग में। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं HD, HDR, अल्ट्रा HD ग्राफिक में। तो हम अल्ट्रा HD तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे सिंपली HDR पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो फ्रेम रेट है वो एक्सट्रीम कर देते हैं। और स्टाइल तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ आपका जो पबजी मोबाइल गेम है वो PC में खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर गेम डाउनलोड करने में या खेलने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर से जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।